आखिर मान गए आईओसी, ओलंपिक पर लिया ये फैसला। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुनिया भर गर के टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं। ऐसे में हर तरफ ओलंपिक खेलों के आयोजन की निंदा हो रही है। ये 24 जुलाई से शुरू होने वाले थे और आईओसी की ओर से कभी अभी तक कोई बयान नहीं आया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सदस्य डिक पाउंड ने कहा है कि इस साल ओलंपिक नहीं होगा। कोरोना प्रभाव के चलते ओलंपिक 2020 को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने यूएसए टुडे के दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि जहां तक मेरी जानकारी है, आईओसी ने इसे टालने के फैसला किया है। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते इस निर्णय को लिया गया है क्योंकि इस समय खिलाड़ी इसके लिए तैयार भी नहीं कर पाएंगे। पहले ही मना कर चुके हैं ये देश। ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन को इस गर्मी में टोक्यो में एक टीम भेजने की संभावना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और स्लोवेनिया ने भी पहले ही बता चुके हैं कि वो जापान में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। पाउंड कहना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानकारी के आधार पर स्थगन का फैसला किया है। बता दें कि खेलों की मेजबानी टोक्यो में होने वाली थी। मेजबान देश भी टलवाने की कोशिश की था। कनाडा ने इसके लिए पहले ही कह दिया था कि ओलंपिक पर फैसला तुरंत आना चाहिए। ऐसे समय में खिलाड़ियों को अभ्यास करना भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जापान में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी आईओसी से इस पर तुरंत फैसला लेने की कहा था। सारे टूर्नामेंट रद्द हुए और ओलंपिक क्यों नहीं,